हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है अपना ड्रेसिना कोर्डिलाइन का प्लांट। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैं एसएमसी नर्सरी से लाया हूं और 20-20 रुपीस में मिल रहे थे, तो मैं ये प्लांट लेके आया गया। क्योंकि अगर ये प्लांट मैं प्राइवेट नर्सरी में लेने जाता तो ऑलमोस्ट मुझे 70-100 रुपीस के आसपास पड़ जाता, लेकिन ये मुझे 20 रुपीस में मिल रहा था। और थोड़ा छोटा प्लांट है, ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। क्योंकि अभी जो सीज़न चल रही है फ्रेंड्स, मॉनसून की सीज़न में ये जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, हमारे इंडोर या तो आउटडोर प्लांट्स, उसके ऊपर ग्रोथ्स आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाएगी। क्योंकि ये क्लाइमेट में आपको ह्यूमिडिटी भी अच्छी मिलेगी, मॉइस्चर अच्छा मिलेगा और क्लाइमेट में थोड़ी कूलनेस रहेगी, जिसकी वजह से हमारे प्लांट ऐसे क्लाइमेट में अपने आप को बहुत ही अच्छा ग्रो कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर कुछ डैमेज पत्ते हैं, तो ये नर्सरी में जनरली केयर कम करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन देखिए, ये जैसे नए पत्ते निकले हैं इसके ऊपर, तो नए पत्ते बहुत ही हेल्दी ग्रो हो रहे हैं और दूसरा एक नया पत्ता इसके ऊपर निकलने की तैयारी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये प्लांट के लोकेशन की बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये प्लांट इंडोर और आउटडोर प्लांट है, आप दोनों कंडीशंस में इसको रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप आउटडोर इसको रखते हो तो बाद में आप इसको ऐसे लोकेशन पे रखें जहाँ पे सनलाइट की बहुत ही तेज़ धूप इसको ना मिले। जैसे कि दोपहर की जो समर सीजन की धूप होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, और ऐसी कंडीशंस में, ऐसी तेज़ सनलाइट में ये प्लांट के पत्ते सारे बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप को वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप इसको मॉर्निंग की सनलाइट दे सकते हैं, जैसे कि समर सीजन की अगर मॉर्निंग की सनलाइट इसको मिल जाए, समझ लीजिए 8 से 9 बजे तक की धूप इसको मिल जाए, तो ऐसे सनलाइट में ये प्लांट आराम से ग्रो हो सकता है। लेकिन दोपहर की सनलाइट इसको प्रोवाइड ना करें। अब अगर ये प्लांट को आप इंडोर रखना चाहते हो तो इंडोर में आप एक ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करें जहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी खासी आती हो, सनलाइट की जो नेचुरल लाइट होती है वो अच्छी खासी आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इसको अच्छी खासी सनलाइट की ब्राइटनेस मिलेगी तो ये प्लांट अपने आप ही बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, इसके ऊपर लीव्स बन के निशानी नहीं दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी और ये प्लांट के कलर्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे। लेकिन जितने भी आप ये प्लांट को लो लाइट कंडीशन में लेते जाएंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ थोड़ी स्टॉप हो जाएगी। इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते न्यू ग्रोथ भी नहीं होगी, ये जो पत्ते का कलर्स है वो पत्ते का कलर्स भी अच्छा खासा निकल के नहीं आएगा। लाइट इसको तो सनलाइट की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी चाहिए, एक ऐसा लोकेशन सिलेक्ट करिए जहाँ पे नेचुरल सनलाइट की ब्राइटनेस आती हो। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसको आर्टिफिशियल लाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस में भी इसको अच्छी खासी ब्राइट लाइट में ही रखें ताकि ये कलर्स इसके अच्छे निकाल सके और अपनी ग्रोथ कर सके। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो प्लांट है वो ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर नेचुरल लाइट इसको प्रोवाइड होगी तो बाद में ये इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, नए नए पत्ते निकलते जाएंगे और ये प्लांट की हाइट भी अच्छी खासी, और मंथली या तो 2 महीने के अंदर इसकी हाइट भी अच्छी खासी बढ़ती रहेगी। अब फ्रेंड्स, ये प्लांट की मैं सॉइल की बात कर लेता हूँ। एक्चुअली जो सॉइल मैंने यूज़ की है ये प्लांट के लिए, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल यूज़ की है। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको सॉफ्ट सॉइल ही पसंद होती है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे दूसरे आगे की वीडियोज़ में भी बताया है, जितने भी मैंने इंडोर प्लांट्स ग्रो किए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जितना भी एरिया आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टोटली इंडोर प्लांट सेट करने वाला हूँ। धीरे धीरे करके मैं प्लांट्स बढ़ाऊँगा। मैं क्रोटॉन्स की दूसरी भी थोड़ी वेराइटीज़ परचेस करने वाला हूँ। जनरली क्रोटॉन्स बहुत ही महंगे होते हैं और मेरे यहाँ एसएमसी नर्सरीज़ में क्रोटॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो इसीलिए मुझे प्राइवेट नर्सरी से ही क्रोटॉन्स को परचेस करना पड़ता है। और मैं धीरे धीरे क्रोटॉन्स की वेराइटी यहाँ पर मैं थोड़ी इंक्रीज़ करने वाला हूँ, और थोड़े इंडोर प्लांट्स, ये जो जितना भी एरिया है वहाँ पर मैं इंडोर प्लांट्स सेट करने वाला हूँ और दूसरे इंडोर प्लांट्स भी मेरे आएंगे। तो ये जितने भी मेरे इंडोर प्लांट्स मैंने ग्रो किए हैं वो सारे इंडोर प्लांट्स को मैंने सॉफ्ट सॉइल दी है, जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता, पानी पूरी तरह ड्रेन हो जाता है और मिट्टी भी ऑलमोस्ट 24 घंटे या तो 30 घंटे के अंदर मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है। तो ऐसा ही सॉइल मैंने इसको प्रोवाइड की है। लेकिन ये जो मैंने सॉइल, ये जो मेरे ड्रेसिना का प्लांट है उसके लिए जो मैंने सॉइल सिलेक्ट की है वो भी सॉफ्ट सॉइल है, लेकिन मैंने इसके अंदर कोकोपीट यूज़ किया है। अब मैं आपको प्रपोर्शन बता देता हूँ कि मैंने कोकोपीट कितना यूज़ किया है, सैंड कितना यूज़ किया है। तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने 50% जितनी नर्सरी सॉइल ले ली है और रिमेनिंग 50% के अंदर मैंने इक्वली कोकोपीट, सैंड और वर्मी कॉम्पोस्ट ऐड की है। तो मतलब जो रिमेनिंग 50% होता है उसमें से मैंने इक्वल रेशियोज़ में वर्मी कॉम्पोस्ट, इक्वल रेशियोज़ में सैंड और इक्वल रेशियो में मैंने कोकोपीट मिक्स करके इसका एक पूरा एक पॉटिंग मिक्स बनाया है। तो कोकोपीट मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है और सैंड ज़्यादा
पानी जमा नहीं होने देता, जैसे कि अगर कोकोपीट के अंदर अगर ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो सैंड वो एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर देता है और अपने अंदर से बहुत ही जल्दी ड्राई करके वो पानी को बाहर भी निकाल देता है। और वर्मी कॉम्पोस्ट सॉइल को न्यूट्रिशन पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा पसंद होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स भी इसके लिए अच्छे हैं, लेकिन वो मैं आगे आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये हिसाब से मैंने ये सॉइल, पॉटिंग सॉइल इसकी प्रिपेयर की है, और ये पॉटिंग सॉइल बहुत ही लाइट वेट है। अगर मैं ये ग्रो बैग्स को उठाऊंगा तो बहुत ही हल्की लगेगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोकोपीट यूज़ किया है, और कोकोपीट एक ऐसा मीडियम है जो लाइट वेट होता है और वाटर को भी अच्छा खासा रिटेंशन इसके अंदर रख सकता है। और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स के न्यूट्रिएंट्स भी कोकोपीट अपने अंदर इंटेक करके रख सकता है। तो मैंने ये जो प्लांट है उसके अंदर मैंने ये कोकोपीट यूज़ किया है, जबकि मेरे जो दूसरे सारे प्लांट्स हैं उसके अंदर मैंने सैंड, वर्मी कॉम्पोस्ट और नर्सरी का ही मिक्सचर यूज़ किया है। तो अब मैं ये प्लांट के फर्टिलाइजर्स की बात पे आ जाता हूँ। तो इंडोर प्लांट के जब फर्टिलाइजर्स की बारी आती है फ्रेंड्स, आप इसके अंदर कभी भी हैवी डोजेज फर्टिलाइजर्स यूज़ ना करें। कोई भी इंडोर प्लांट हुआ, आपका ये एरेलिया का प्लांट हुआ, या तो आपका एग्लोनीमा का प्लांट हुआ, क्रोटॉन्स हुए, ये आपके पाम हुए, कोई भी प्लांट हो गया फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट को जनरली हैवी डोज फर्टिलाइजर्स पसंद नहीं होते। आप इसको हैवी डोजेज फर्टिलाइजर्स ना दें, इसको आप लाइट डोजेज फर्टिलाइजर्स दें। और लाइट डोजेज में अपने ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और बेस्ट होते हैं इंडोर प्लांट्स के लिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आप काउडंग या तो वर्मी कॉम्पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दो फर्टिलाइज़र है ये बेस्ट है हमारे ये इंडोर प्लांट्स के लिए। इंडोर प्लांट्स को जनरली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स अच्छे लगते हैं, साथ में उनको पोटेशियम की भी ज़रूरत अच्छी होती है, लेकिन इंडोर प्लांट्स को जनरली फॉस्फरस की ज़रूरत कम होती है। फॉस्फोरस की ज़रूरत हर एक प्लांट को होती है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में ये इंडोर प्लांट्स को होती है, क्योंकि ये जनरली बहुत फ्लावरिंग्स नहीं करते। एक्चुअली ये जो ड्रेसिना का प्लांट है, ये प्लांट भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन जब भी आपको ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स दिखे तो उसको तुरंत कट कर दे। अगर आप इसके फ्लावरिंग्स को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो बाद में ये प्लांट की पूरी एनर्जी खींचते जाएंगे और आपके ये जितने भी प्लांट्स की खूबसूरती है, ये लीव्स की जो खूबसूरती है, वो धीरे धीरे करके आपके लीव्स झड़ने लगेंगे। इसीलिए इसके जो फ्लावरिंग्स निकलते हैं वो फ्लावरिंग्स को आप पहले कट कर लें। तो ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये इंडोर प्लांट्स, उनको फॉस्फोरस की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, लेकिन बहुत ही कम ज़रूरत होती है, तो हमें उतनी मात्रा में ही उसको फॉस्फोरस देना है, हमें उसको फॉस्फोरस का ओवरडोज नहीं देना है। अगर आप इसको फॉस्फोरस का ओवरडोज देंगे तो बाद में इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि कैल्शियम हुआ, आयरन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, मैंगनीज हुआ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की धीरे धीरे करके डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। और जो काउडंग है, वर्मी कॉम्पोस्ट है, उसके अंदर सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स आ जाते हैं, जो आपके प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएंगे। और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हर 10 से 12 दिन के अंतर में इसकी सॉइल के अंदर डाल सकते हैं, अबाउट आधी मुट्ठी भर के, हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है। एक एक मुट्ठी भर के भी वर्मी कॉम्पोस्ट या तो काउडंग नहीं डाल देना है, एक आधी मुट्ठी भर के थोड़ा सा वर्मी कॉम्पोस्ट आपको लेना है और आपकी सॉइल की ये जो बेस है उसके ऊपर आपको छिड़क देना है, यानी कि डाल देना है और वाटरिंग कर लेनी है। बस इतने फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक में आप डालते रहिए तो ये प्लांट अच्छा ग्रो होगा। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की जब बारी आती है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा 12-4-12 वाला NPK, यानी कि 12 होगा नाइट्रोजन, 4 होगा फॉस्फोरस और 12 होगा पोटेशियम। लेकिन हमें बैलेंस फर्टिलाइजर्स इसके अंदर नहीं डालने हैं, जैसे कि 19-19-19 या तो 20-20-20 वाला NPK आप ना डालें, क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही हैवी डोजेज फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों तीन की मात्रा अच्छी खासी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती है, जो आपके प्लांट की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको ओवर फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए ये प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। तब आप उसके अंदर NPK, जैसे कि ये हैवी डोजेज वाले NPK, अगर आप इसके अंदर डालते रहेंगे तो बाद में आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, आपका प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा, इसके लीव्स सारे बर्न होते जाएंगे और आपको समझ नहीं पड़ेगा कि ये प्लांट क्यों ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स ये प्लांट की ज़्यादा नीड नहीं है, आप बहुत ही कम डोजेज वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ करिए। जनरली मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि 12 से ज़्यादा वाले फर्टिलाइजर्स आप इसके अंदर ना डालें, 12 से कम वाले डालें, यानी कि 12 से ज़्यादा नाइट्रोजन या तो पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर्स ना डालें। 12 से कम वाले फर्टिलाइजर्स, जैसे कि 8 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, ये रेशियोज़ वाले आप फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फॉस्फोरस का ध्यान रखना है, फॉस्फोरस की रेशियो कम होनी चाहिए, ज़्यादा फॉस्फोरस इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको आइडिया आ गया होगा फ्रेंड्स कि हमें किस हिसाब से इसको फर्टिलाइज़ करना है।
अब फ्रेंड्स बात आएगी इसकी पेस्टिसाइड्स की, कि हमें कौन कौन से इसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई करने हैं। तो आप नीम ऑयल पेस्टिसाइड इसके ऊपर अप्लाई करिए। नीम ऑयल पेस्टिसाइड बेस्ट पेस्टिसाइड है कोई भी इंडोर प्लांट्स के लिए। इंडोर प्लांट्स को जनरली हैवी डोजेज वाला पेस्टिसाइड भी पसंद नहीं होता, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड अगर आप रेगुलर इसके ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो इसकी पत्ती की ब्यूटी सारी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड स्प्रे करिए। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसको भी सेफ रखेंगे, प्लस जो भी इंसेक्ट्स और पेस्ट इसके ऊपर लगेंगे उसको भी भगा देंगे, क्योंकि नीम एक ऑलरेडी अपने आप में एक फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है। तो ये जो नीम ऑयल का पेस्टिसाइड है वो बेस्ट पेस्टिसाइड है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए। तो आप वीकली वीकली बेसिस पे इसके ऊपर नीम पेस्टिसाइड अप्लाई करते रहे तो आपका प्लांट हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आप टाइम ले लेंगे, यानी कि महीना ले लेंगे, 1.5 महीने के बाद या तो 2 महीने के बाद आपको जब इच्छा हुई तब इसके ऊपर पेस्टिसाइड डालेंगे, तब फ्रेंड्स ऐसा होगा कि जब पेस्ट की वॉल्यूम बढ़ जाएंगी लीव्स के ऊपर तब आपको उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसी कंडीशंस में तब आपको केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई करना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन हमें जितना हो सके उतना केमिकल पेस्टिसाइड्स अवॉइड करना है, और नीम पेस्टिसाइड जैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को हमें ज़्यादा प्रमोट करना है ताकि आपके प्लांट की कंडीशन अच्छी रह सके। इसीलिए नीम पेस्टिसाइड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप रेगुलर यूज़ करिए, वीकली वीकली या तो 10 दिन में एक बार इसके ऊपर स्प्रे करते रहे, भले आपके प्लांट के लीव्स हेल्दी हो या तो ख़राब हो, लेकिन रेगुलर स्प्रे करें। ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट हेल्दी है, चलिए कोई भी पेस्ट इसके ऊपर नहीं दिख रहा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा मत मानिए फ्रेंड्स, क्योंकि पेस्ट का कोई भी भरोसा नहीं होता और पेस्ट कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि पेस्ट जनरली क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा ह्यूमिड हो गई, ज़्यादा मॉइस्ट हो गई, तो बाद में पेस्ट आराम से इसके ऊपर जर्मिनेट कर सकते हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो सकती है। इसीलिए हमें हमेशा सेफ साइड लेके ही चलना है कि आप वीकली वीकली बेसिस के इसके ऊपर नीम पेस्टिसाइड अप्लाई करते रहें। और इसकी प्रोपोगेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये आराम से प्रोपोगेट हो जाते हैं, और ख़ास करके अभी इनकी सीज़न है प्रोपोगेशन की, तो अगर आपके प्लांट के ऊपर कुछ ये टाइप की ब्रांचेस निकल रही हो, ये तो मेरे सिंगल प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट तो मेरा पूरा सिंगल प्लांट है, लेकिन अगर इसके ऊपर से कोई ब्रांच यहाँ पे निकल रही हो और ब्रांच की कुछ ये टाइप की ब्रांच हो तो आप उसको कट कर सकते हैं और मिट्टी में डाल सकते हैं, तो वहाँ से ही एक दूसरा प्लांट इसका निकल जाएगा और आराम से ये रेनी सीजन में ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपने आप ही ग्रो होता जाएगा, ये भी एक तरीका है। दूसरा, इसका सीड्स से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक इसके सीड्स देखे नहीं हैं तो मुझे आइडिया नहीं है कि इसके सीड्स कैसे होते हैं, लेकिन सीड्स के थ्रू भी ये प्लांट ग्रो हो सकता है। और हो सके तो अभी जो क्लाइमेट चल रहा है, ये क्लाइमेट में नर्सरीज में आपको क्रोटॉन्स और ऐसे इंडोर प्लांट्स की मात्रा ज़्यादा दिखेगी। एक्चुअली अभी जो मैं नर्सरीज जनरली विजिट करता हूँ तो वहाँ पे क्रोटॉन्स और ये सारे इंडोर प्लांट्स की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है, और अभी ये सेल भी ज़्यादा कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशंस में ये प्लांट ग्रो भी बहुत ही अच्छे करते हैं। इसीलिए आप हो सके तो इंडोर प्लांट्स लेके आ सकते हैं, ये सीज़न में मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स ला सकते हैं, और ये सीज़न में आपके ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो होके निकल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस हिसाब से, देखिए यहाँ पे नर्सरी वाले ने एक कट किया है, ये एरिया पे कट किया है, और कट करने के बाद यहाँ पे दूसरी दो नई ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई है, देखिए। तो अगर जब ये ब्रांच थोड़ी बड़ी हो जाएगी और मुझे लगे कि ये प्लांट को मुझे कटिंग करना है तो मैं उसको यहाँ से कट कर लूँगा और ये सॉइल के अंदर ही डाल दूँगा। तो इस हिसाब से ये प्लांट आराम से कटिंग से ग्रो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी ये प्लांट से रिलेटेड। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।